हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 2 से 3 चीज़ों से बनने वाला एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। इस नाश्ते को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। मात्र 5 मिनट में यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 1 कप जितना पोहा। तो पोहा आप पतला या मोटा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो यहाँ पर हमने थोड़े से मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले अपने पोहे को हम एक बोल में डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि पोहे के अंदर जो भी गंदगी वगैरह हो वो निकल आए। तो चलिए फ्रेंड, इसे फटाफट से वॉश कर लेते हैं। तो पोहे को हमने अच्छे से वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। मात्र 5 मिनट इसे हम फूलने के लिए छोड़ेंगे। अगर आप पतले पोहे का इस्तेमाल करें तो आप इसे भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक हमारा पोहा फूल रहा है, तब तक की अपने हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से चटनी बना लेते हैं। आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी की चटनी, वो भी बहुत ही स्पेशल तरीके से। इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ी सी आम यानी कि कच्ची कैरी, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से गार्लिक। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और अपनी सारी चीज़ों को एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम आम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल मीडियम साइज़ के होंगे, यानी कि छोटी कच्ची कैरी का इस्तेमाल करना है। और इन्हें आप बिना छिलके के ही इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और इसका जो टेक्स्चर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आम की चटनी में पुदीने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और गर्मी चल रही है इसलिए हम इसमें पुदीना भी ऐड कर रहे हैं। तो साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कलियाँ लहसुन की। लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारी धनिया। तो धनिया आपको डंठल सहित इस्तेमाल करनी है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, इससे हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब पानी। तो सारी चीज़ों को पानी डालकर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इसे पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया, और आप देख सकते हैं चटनी का जो कलर और टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा रिच आया है, कितनी ज़्यादा ग्रीन लग रही है हमारी चटनी। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप इसे फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ्रेश लगती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इसे हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। नींबू का रस डालने से इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी फ्रेशनेस आती है, तो ज़रूर डालिएगा। अगर आपके आम बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो नींबू को डालकर हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसी तरह से इसे सर्व करेंगे। ये चटनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एकदम डिफरेंट स्टाइल की चटनी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और अब अपने पोहे को हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पोहे हमारे काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, और फूल के ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक तड़का। इसके लिए एक तड़का पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। साथ ही हम इसमें डाइजेशन के लिए डालेंगे हींग। हींग से नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल होने लगेंगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच जितना भुना हुआ बेसन। तो यहाँ पर बेसन आपको भून कर लेना है, कच्चा बेसन नहीं डालना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है उसमें कच्चा फ्लेवर ना आए बेसन का। तो अब अपने तैयार किए तड़के को हम इसी पोहे में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बेसन आपको बहुत ही कम डालना है, ताकि हमारा जो बेसन का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आए इस नाश्ते में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इन सभी चीज़ों को हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा तड़का थोड़ा सा गर्म है, इसलिए हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिलाते रहेंगे। और इसे हम इस तरह से एक टो की फॉर्म में ले आएंगे सारी चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ी सी दही या फिर छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला पाउडर। ये होममेड चाट मसाला है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अब इसे हम अच्छे से शेप दे देंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसे शेप देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह से हल्का सा अमाउंट में इस डो को लेंगे, और इसे हम अच्छे से पुश करते हुए यानी टाइटली बांधते हुए अच्छे से रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे एक रोल का शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे टिक्की भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे बॉल्स का भी शेप दे सकते हैं। तो जो भी शेप आपको पसंद हो वो सारे शेप में आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने नाश्ते को हम फटाफट से अच्छे से शेप दे देंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी तरह के लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हफ्ते तक इसी तरह से चलेगा। जब आपके मेहमान आए तो आप इन्हें फटाफट से फ्राई करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे आपको फटाफट से फ्राई करके भी दिखा देते हैं। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो इसके लिए एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा, एक एक करके अपने सारे नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे और ये बहुत ही कम तेल में फ्राई हो जाता है और बिल्कुल भी तेल को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक है। एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसे आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। जब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तभी आपको इसे पलटना है और पलट करके दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। मात्र 5 मिनट में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे और आपके पास टाइम ना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, तो ज़रूर से बनाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो चुका है हमारा ये क्रिस्पी स्प्रिंग रोल। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग है। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।